रविवार को योग धर्मेंद्र का स्थापना दिवस था, जिसके तहत उनकी ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जर्मनी, जापान, यूरोप और चाइना समेत अन्य देशों से लोग जुड़े हुए थे। बता दें कि योग धर्मेंद्र एक बहुउद्देशीय धर्मांत समाज है जो बच्चों की शिक्षा और उन्नति के लिए काम करता है। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में डॉक्टर तनु वर्मा की ओर से की गई थी। योग धर्मेंद्र बहुत सारी गतिविधियां प्रदान करता है और वंचित बच्चों के लिए नियमित अध्ययन, विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां, कई प्रेरणा और प्रेरक भाषण जैसे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। संगठन की ओर से पेशेवर प्रशिक्षकों की देखरेख में योग अभ्यास के बाद ध्यान, मंत्रों का जाप, कला, शास्त्रीय नृत्य, शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ आत्मरक्षा तकनीक सिखाई जाती है। वर्ष 2010 में डॉक्टर तनु वर्मा की ओर से योग धर्मेंद्र की स्थापना की गई थी और रविवार को इसका स्थापना दिवस था, जिसके तहत उनकी ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में संस्थापक डॉक्टर तनु वर्मा ने अधिक जानकारी साझा की। योगा धर्मेंद्र सोसाइटी, ये इस तरह की सोसाइटी जिन्हें बच्चों के उत्थान के लिए एक सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम चलाया है और आज इसका स्थापना दिन है। इस स्थापना दिन के मौके पर बहुत कुछ रंगारंग कार्यक्रम किए गए थे, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं की जाती है और उनके सर्वांगीण विकास के लिए सिर्फ नागपुर ही नहीं, पूरे देश भर में एक कार्यप्रणाली चलाई जाती है। क्या है ये कार्यप्रणाली, हम जानते हैं योगा धर्मेंद्र की जो सर्वे सर्वा है यहाँ की तनु दीदी से। तनु दीदी, बताइए आपके प्रोग्राम के बारे में, आज के कार्यक्रम के बारे में। नमस्ते, मैं डॉक्टर तनु वर्मा। आप सभी देख रहे हैं मेरे पीछे जो है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, योगा धर्मेंद्र फैमिली। जब हम कहते हैं फैमिली तो आप सभी समझते हैं फैमिली का मतलब क्या होता है, परिवार मतलब जिसमें हम सभी के सुख दुख हम सभी के अपने होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, मैंने इसको कभी नाम नहीं दिया, हमेशा मैं इसे फैमिली बोलती हूँ, क्योंकि हर बच्चे का सपना मैं उसे अपने आँखों में देखती हूँ कि काश यदि मैं उनके जगह होती तो क्या सोचती, क्या करना चाहती। और वही सपना मेरा है, जो बच्चे भी जिस ड्रीम को लेकर चलते हैं, मैं पूरा प्रयास करती हूँ, पूरी मेरे साथ टीम है जो प्रयास करती है कि उन बच्चों के सपनों को हम पूरा कर सकें। और ये सारे ही बच्चे, सभी में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं, सभी बहुत सारी क्वालिटीज़ को लेकर यहाँ पर आए हैं और उन क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए ये खुद भी मेहनत करते हैं, सभी की बातें सुनते हैं और उनकी मेहनत ही जो है उन्हें आगे बढ़ा रही है। तो मैं सभी लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको बहुत बड़ा इसमें जिम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि ये अकेले का प्रयास नहीं है, ये पूरा टीम वर्क है और इस टीम के कारण ही हम लोग इसे बढ़ा पा रहे हैं। तो ये सभी टीम जो है, इस परिवार को मैं बहुत बहुत, आप सभी को जो मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप सभी को इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी आकर हमारे साथ यहाँ पर जुड़कर इन नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए आप जो भी चाहें वो अपना सहयोग, अपना योगदान, अपना समय, अपना प्यार, द एनर्जी ऑफ अनकंडीशनल लव यू कैन गिव देम एंड वी कैन सर्व द ह्यूमैनिटी एंड वी कैन रीच टूवर्ड्स द रियल एम ऑफ लाइफ एंड वी कैन गिव पीस टू एवरी ह्यूमन बींग। सो थैंक यू सर। आपने जो आज प्रोग्राम लिया था ये स्थापना दिन के ऊपर में, ये इसमें क्या क्या सम्मिलित थे और किस तरह से आपने कराया था? आज का जो हमारा फाउंडेशन डे है, हम पिछले कई सालों से 7 साल से काम कर रहे हैं। सबसे पहला ब्रांच हमारा ऋषिकेश में था, उनके साथ हमने काम किया, उसके बाद नागपुर में हमारा सेकंड ब्रांच, और रिसेंटली लास्ट 4 वीक्स के पहले हमने जो एक नया ब्रांच जलगांव में शुरू किया है। आज के हमारे इस फाउंडेशन डे में जर्मनी से, जापान से, यूरोप से, चाइना से, ऑल ओवर वर्ल्ड से और इंडिया के भी कई शहरों से लोग जुड़े थे। ये लोग, मैंने जैसे बताया कि परिवार है, तो ये लोग भी कई सालों से परिवार के रूप में मेरे साथ हैं और मेरे साथ जुड़ के ये सारी एक्टिविटीज़, आज बच्चों ने जो एक्टिविटीज़ की है उन एक्टिविटीज़ में हमने सबसे पहले मंत्रास का चैंटिंग किया है, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति की, हमारी भारतीय परंपरा है कि बिना गुरु के और बिना भगवान गणेश के कुछ की भी शुरुआत नहीं हो सकती है। तो उसी के साथ हमने शुरुआत की, उसके बाद बच्चों ने कुछ प्रोग्राम किए, रंगारंग कार्यक्रम जिसे कहा जाता है, जो बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं। हम लोग सिर्फ बच्चे डांस सिर्फ नाचने के लिए नहीं, ये शारीरिक एक्टिविटी नहीं है, उसके थ्रू उनका मानसिक भावनिक विकास भी हो ये ध्यान में रखते हुए भी उन्हें डांस सिखाया जाता है। कराटे, क्योंकि आज यदि आप डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे तो उसमें 90% लड़कियाँ थी, तो उसमें सुरक्षा का भाव डेवलप हो इसलिए कराटे का भी हमने यहाँ पर अभ्यास किया है। उसके बाद बच्चों ने यहाँ पर योगा डेमोंस्ट्रेशन किया, क्योंकि मैं योगा की डॉक्टर भी हूँ, तो हमेशा योग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और मैं चाहती हूँ इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि इन फ्यूचर दे वांट टू बी अ योगा टीचर एंड वेरी सून दे विल बी इन डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो वो जो बच्चे हैं योगा परफॉर्मेंस जब करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मेरा बच्चा एक जहाँ मैं थी वहाँ से आगे बढ़कर उस लेवल पर पहुँच गया है। तो योगा डेमोंस्ट्रेशन था,
और इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम आज हमने एक्टिविटीज कवर की है। बहुत सुंदर तरीके से डॉक्टर तनू ने हमें बताया। मैं चाहूंगा कि यहाँ के हर एक बच्चे के चेहरे पर अगर आप, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि चेहरे पर अगर आप देखेंगे तो ये संस्कारों की भाषा है। आज के आधुनिक जग में जहां हम देखते हैं कि हम मोबाइल में पड़े रहते हैं कई और तरीके से, लेकिन आज यहां पर इन पर जो संस्कारों का जो ज्ञान यहां पर इन्हें मिल रहा है वो सच में अपने आप में काबिल तारीफ है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ मैं रत्नाकर, NBC न्यूज़ के लिए।